नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज अब शुरू हो रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर। जी बिजनेस की खबर पे मुहर लगी है, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को सेबी से मंजूरी मिल गई है और साथ ही कुछ और बड़ी खबरें हैं। इन तमाम खबरों पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इन खबरों का आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नरेंद्र वाधवा, जो कि प्रेसिडेंट हैं सीपीआई के। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। कपिल देव हैं चीफ बिजनेस ऑफिसर एनसीडीएक्स के। नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की। और ये खबर हमने आपको सबसे पहले थी 16 सितंबर को और उस खबर पे आज मुहर लगी है, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी मिल गई है। सवाल ये है कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। वाधवा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा सर, आपका पहला रिएक्शन गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के फ्रेमवर्क को जो मंजूरी मिली है उस पर। धन्यवाद मृत्युंजय जी। मैं जी बिजनेस को बधाई देता हूं, उन्होंने पहले भी सितंबर में इसको कवर किया था कि इसकी मंजूरी आने वाली है सेबी को, तो ये हरी झंडी मिली है सेबी से। पहले भी मैंने कहा था कि हम एक बहुत बड़े कंज्यूमर हैं गोल्ड के और हमारे पास इसकी प्राइसिंग की पावर नहीं है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इससे आने वाले टाइम पे इंडिया की ये बाइंग पावर जो है ये दिखाई देगी इस IFSC के इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज में, जहाँ प्राइसिंग एक बहुत बड़ा जो कमोडिटी मार्केट का या बुलियन मार्केट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेरे को लगता है एक जो इतना बड़ा कंज्यूमर है इंडिया इस गोल्ड का, ये डिटरमिन कर पाएगा प्राइसिंग को भी। अच्छा, तो इसके अलावा मृत्युंजय जी एक और नई डेवलपमेंट है सेबी की। हाँ। तो हमारी पुरानी डिमांड थी कि एक सिल्वर का ETF भी आना चाहिए, जैसा गोल्ड ETF है उसकी भी मंजूरी मिली है, तो ये बुलियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बुलियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, एक तो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी मिली है सेबी की तरफ से और दूसरा सिल्वर ETF को भी। मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस नए गोल्ड एक्सचेंज में कामकाज कैसे होगा, किस तरह से होगा, पहला सवाल। और इसमें क्या रिटेल कंज्यूमर के लिए भी कुछ है क्या इस नए एक्सचेंज में? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, बहुत ही अच्छी खबर है बुलियन मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टर जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और किसी कारणों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अब बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह आप बिल्कुल बुलियन भी खरीद सकते हैं। जिस तरह आप अपने शेयर ब्रोकर के पास जाकर शेयर्स खरीदते हैं, वैसे आप आपके कमोडिटी ब्रोकर के पास जाके आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड आपको बाकायदा डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में आएगा, जिसे हम EGR कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट कहते हैं, और जब आपको उसे रिडीम करना होगा तो आप फिजिकल गोल्ड उसके बदले में प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है और एशिया अब पूरे एशिया में भारत जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। हाँ। इस खबर के बाद में ये बहुत अपेक्षित था और बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, हम सभी इसकी राह देख रहे थे और आखिरकार आज इसको मंजूरी मिल गई है। ये बहुत ही बेहतरीन खबर है और अब हम मेरे ख्याल से चाइनीज मार्केट और उस मार्केट से भी बेहतर पोजीशन में अपने आप को रख पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब वाधवा जी एक बार जरा आप बताएं सर कि ये तो सेबी की तरफ से फ्रेमवर्क को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में, मतलब फाइनली गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को आने में कितना वक्त लग सकता है सर, इसको लेकर कोई अनुमान आपका? संजय जी देखिए, इसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट और MIs हैं वो पहले से पोजीशनिंग कर चुके हुए हैं और अगस्त के अंदर इसकी एक मॉक ट्रेडिंग भी पायलट रन हुआ था। इसके अंदर वोल्टिंग सर्वेस और जो इसके लिए पूरी चेन के अंदर है वो पहले से ही मॉक कर चुके हैं, तो इसको मेरे को लगता नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। जैसा मेहता जी ने भी बोला, मैं भी ऐड करना चाहूंगा इससे, एक तो प्राइस डिस्कवरी जो होगी होगी, इसके अलावा जो जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी बुलियन मार्केट जो डेवलप होने के बाद, ये बहुत अच्छा मूव है मृत्युंजय जी।
और मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा, सीपीआई का इसमें काफी रोल रहा है। सेबी ने हमारे से काफी इनपुट मांगी थी इसकी क्रिएशन के लिए, और काफी हमारी मांगे जो है उसके अंदर मेरे को लगता है इसके अंदर मानी गई है। स्पॉट एक्सचेंज में वाधवा जी, ब्रोकर की क्या भूमिका होगी? आप चूंकि ब्रोकर का आपका एसोसिएशन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ब्रोकर की इसमें क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा ब्रोकर का? देखिए मृत्युंजय जी, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड का, और ये सारा कंसंट्रेटेड वहां से आएगा और वहां से सारा रूटिंग होगी, तो इनके लिए, ब्रोकर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि अभी सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे थे, वो स्पॉट मार्केट में और फिजिकल मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है मेहता जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि इसमें जो अभी हमें जानकारी मिल पा रही है संभावित नियमों के बारे में, उसमें ये कि ट्रेडिंग जो है 5, 10, 50 ग्राम से 1 किलोग्राम तक रखने का प्रस्ताव है। वॉल्ट डिपॉजिटरी एक्सचेंज क्लियरिंग का एक प्लेटफॉर्म होगा। वॉल्ट मैनेजर्स में इंटर ऑपरेबिलिटी EGR की अदला बदली होगी, और ट्रेड सेटलमेंट साइकिल को T+1 में रखने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप जरा बताएं कि इसमें जो सर जो अलग अलग चार्जेज होंगे वॉल्ट में रखने के, बाकी क्लियरिंग के, वो चार्ज किसे उसका भार किसके ऊपर आएगा? क्या जो गोल्ड रखेगा जो कंज्यूमर होगा उसके ऊपर आएगा? उसके लिए कुछ रोडमैप बना है क्या, कोई फ्रेमवर्क मेहता जी? देखिए एक्सचेंज हमेशा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो डेफिनेटली ये जितना भी वॉल्ट में रखने के चार्जेस वगैरह होते हैं वो तो इवेंचुअली कस्टमर पे ही आने वाले हैं। लेकिन यदि एक गोल्ड की तुलना में इसकी चार्जेस बहुत ही रीजनेबल होते हैं, आज आप एक कोई शेयर भी खरीदते हैं तो आप बहुत सारे चार्जेस का पेमेंट करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नॉर्मल कोर्स में भी जब आप बुलियन फिजिकली बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वॉल्टिंग होती है और उसके चार्जेस आप देते ही। ठीक बात है। चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं, और आपको बता दें कि ब्रजेश ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। 16 सितंबर को ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि 28 तारीख की बोर्ड की बैठक में गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी मिल सकती है, और इस खबर पे मुहर लग गई है। जी बिजनेस ने आज से बहुत दिन पहले 16 सितंबर को ये खबर आपको सबसे पहले दिखा दी थी, और ये खबर ब्रेक किया था ब्रजेश ने। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त वो सेबी की PC भी कवर कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। ब्रजेश सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने ये खबर पहले दी थी और उस खबर पे मुहर लग गई है। कुछ और डिटेल जानकारी मिल पा रही है क्या गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर? शुक्रिया मृत्युंजय। हाँ, जैसा कि हमने 16 सितंबर को बताया था कि ये सेबी बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के रेगुलेशंस को मंजूरी देना, वो सेबी गोल्ड एक्सचेंज एंड सेबी वॉल्ट मैनेजर रेगुलेशंस हैं, इनको मंजूरी दे दी गई है। इसके ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड सीट होगा उसको भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट तहत सिक्योरिटीज का दर्जा मिल जाएगा, और इसकी वजह से ये ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये जो रेगुलेशन है इसको जो है सेबी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। साथ ही जो वॉल्ट मैनेजर के लिए एक नेटवर्क की कंडीशन होती है वो 50 करोड़ की वो रखी गई है, तो इस तरह से जो है इसको लेकर के जो मोटे मोटे नियम है वो मंजूर हो गए हैं। ये भी है कि जो दो वॉल्ट के बीच में जो EGR है वो फंजिबल होगा, यानी इंटर ऑपरेबल होगा, यानी कि आप एक वॉल्ट से खरीदते हैं तो दूसरे वॉल्ट में भी आप जा करके उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। ये मोटे मोटे जो नियम हैं वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में बाकी नियम भी सब क्लियर होते जाएंगे और नए साल तक जो है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज जो है वो काम करना शुरू कर सकता है। इसके अलावा एक और जो अहम चीज बोर्ड ने आज अप्रूव किया है वो सिल्वर ETF को अप्रूव किया है, तो सिल्वर ETF भी जो है हम देखते हैं कि जो है जल्दी इसकी ये ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एक सवाल हमने और पूछा था कि जो फ्यूचर्स में कौन सी नई कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर विचार किया जा रहा है कि उनको ट्रेडिंग के लिए लाया जाए, तो उस पर ये बताया गया कि CDAC ने करीब जो 30 के आसपास के जो नाम सुझाए थे उसमें से कई सारे नामों को जो है वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, से चर्चा चल रही है वित्त मंत्रालय से कि किस तरह से उन कमोडिटीज को लाया जा सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो है अब तक ये 3 बड़ी बातें जो हैं वो सेबी बोर्ड के दौरान और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मैंने हमें पता चली हैं वो मैंने आपसे साझा की। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि कुछ और कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग लॉन्च हो सकती है। कुछ नामों की जानकारी मिली है क्या ब्रजेश? और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो डीलिस्ट हुई है कुछ कमोडिटी हाल में, जैसे चना है, क्या उसके रिलॉन्च पर भी विचार हो रहा है क्या?
देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा। जो कमोडिटीज अभी रोकी गई है, जिनमें ट्रेडिंग रोकी गई है, उस पर विचार ये है कि जब भी कंफर्टेबल माहौल होगा, जब सुटेबल माहौल होगा, जब लगेगा कि हाँ इनको फिर से शुरू किया जा सकता है, तब उनको शुरू। और जहां तक वो कमोडिटीज की बात है कि जिनको नई ट्रेडिंग वाली जो कमोडिटीज थी, उसमें जो बहुत सारे नाम जो सीडैक ने दिए थे, जिसमें से कि बाम्बू से जुड़ा एक प्रोडक्ट था, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट थी कुछ 30-32 प्रोडक्ट्स की, वो सारी चीजें थी। तो लगभग लगभग उन्हीं नामों को जो है वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है कि इनमें कैसे कब लाया जा सकता है। तो वो लगभग वही है जो सीडैक ने सुझाए थे, वो सारे कमोडिटीज। शुक्रिया ब्रजेश आपका, नरेंद्र वाधवा जी आपका और सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बातचीत करने के लिए। बात करते हैं क्रूड की और कच्चे तेल में बड़ी तेजी आ गई है। 3 साल के बाद ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के ऊपर आ गया है और इस साल करीब 60% की तेजी आ गई है। नरेंद्र तनेजा इस पर जुड़े हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। तनेजा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बड़ी तेजी आ गई है और 3 साल के बाद ब्रेंट का भाव 80 के ऊपर गया है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई है, आपको लगता है और बढ़ेंगे दाम या आपको लगता है कि 80 के ऊपर टिकना भी मुश्किल होगा? नहीं देखिए, मैं तो अभी सहमत नहीं कि डिमांड ज्यादा हो गई है एकदम और सप्लाई कम हो गई है, ये वजह ये नहीं है। अच्छा। अमेरिका में जो इन्वेंट्रीज की जो इशू चल रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस हो गई है पश्चिम यूरोप के अंदर और दूसरी तरफ चाइना के अंदर, उसको लेकर के जो है ये एक ऑयल सेक्टर के अंदर ये बात आई है कि जिस हिसाब से भाई चारों तरफ ये बात हो रही थी कि जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसी पर ध्यान दिया जाए और ऑयल को और प्राकृतिक गैस दोनों को कहा जा रहा था इसमें निवेश मत करिए, जिसमें सॉवरन फंड से पैसा निकाल रहे थे, जो इसका विस्तार रुक गया था, नए तेल के भंडारों के ऊपर जो काफी हद तक जो है कमी उसमें आ गई थी, तो ये उसका मार्केट रिएक्शन आ रहा है कि ये मार्केट ये कह रहा है आपको कि ये जो बात कही जाती है रिन्यूएबल को बढ़ाना होगा, सौर ऊर्जा को बढ़ाना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है तेल में निवेश बंद कर दें, आप नेचुरल गैस में निवेश बंद कर दें, आप कोयले में निवेश बंद कर दें। ये मार्केट जो है आपको कन्वे, पूरी दुनिया को कन्वे कर रहा है कि रिन्यूएबल बहुत अच्छी बात है, सौर ऊर्जा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने निग्लेक्ट किया, तेल को निग्लेक्ट किया, कोयले को निग्लेक्ट किया, प्राकृतिक गैस को निग्लेक्ट किया, तो फिर आने वाले समय में कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि जो डिमांड है उसको वो पूरा नहीं कर पाएगी और सप्लाई भी उतनी नहीं होगी। ये एक मार्केट के अंदर जिसे बोलना चाहिए कि अटर एंग्जाइटी आई है, उसकी वजह से कीमत ऊपर गई है। डिमांड सप्लाई की अभी चिंता नहीं है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से अंग्रेजी में एक शब्द होता है डीमोनाइज करना, ऑयल को डीमोनाइज किया जा रहा है कि बहुत ही खराब चीज है, कोयले को किया जा रहा है बहुत ही खराब चीज है, सौर ऊर्जा बहुत अच्छी बात है, ये भूलते हुए कि 85% ज्यादा ऊर्जा पूरे विश्व में अभी भी तेल से आती है, प्राकृतिक गैस से आती है, कोयले से आती है। तो ये एक मार्केट में एक जो रियलिटी है वो एक सामने होकर के आई है, एक नमूना सामने पेश हुआ है, और वो नमूने को अगर नहीं देखा गया तो फिर तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और किल्लत भी होगी, वो तो एक अलग बात होगी। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका डिटेल में क्रूड मार्केट को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो राजीव जी अब आप बताएं कि क्रूड में ऐसे में ट्रेड क्या लेना चाहिए एमसीएक्स पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मुझे लगता है क्रूड में अभी आज के सत्र में भी तेजी बरकरार रहेगी और शाम के सत्र में 5700 का लक्ष्य छू सकता है क्रूड। 5620 के आसपास में मृत्युंजय जी खरीदारी करनी चाहिए 55-70 के स्टॉप लॉस से, और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मृत्युंजय जी 57-58 के बीच में फिर से एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन आ जाता है, तो बाकी का जो ऊपर का लेवल है 5800 पर क्लोजिंग होती है तब खुलता है वो, फिर दायरा जो है 6000 से 6200 का आ जाएगा ऊपर में, अगर बाजार 5800 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो। के ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड पर है। नेचुरल गैस पर सचिन जी आपका क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी तेजी आई है, 13 साल की ऊंचाई पर है एमसीएक्स पर भाव, अमेरिका में 7 साल की ऊंचाई पर, यूरोप में ऑल टाइम हाई पर, अभी देखिए 10% से ऊपर है, 460 के ऊपर चला गया भाव, क्या किया जाए अब इस भाव पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, नो डाउट लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली वन वे तेजी बनी हुई है, ऑलमोस्ट 30% का गेन वहां से देखने को मिल गया है।
आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है एक बार इस काउंटर को अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफी हायर साइड में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, और जब कभी भी अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी भी आती है तो एक अच्छा खासा करेक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। बेटर है कि अवॉइड कीजिए, जो पोजिशन जिन्होंने लेके रखी है वहां पर उनको प्रॉफिट बुक करने का सजेशन रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की और। एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज NCDX ने नया टेक्निकल सिस्टम एडॉप्ट किया है। क्या है ये पूरा सिस्टम, कैसे कामकाज करेगा, डिटेल बताने के लिए हमारे साथ एक्सचेंज के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ये क्रांतिकारी ख्याल कैसे आ जाता है आप लोगों के मन में बीच बीच में, और ये क्या नया सिस्टम है, कैसे कामकाज करेगा? धन्यवाद मृत्युंजय जी। एक्चुअली ये नया सिस्टम नहीं है, ये एक नई सर्विस है जो हमने अभी अडॉप्ट किया है। सो एक्सचेंज इज ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, ट्रेडिंग कंटिन्यूअसली सीमलेस चलती रहनी चाहिए। अच्छा, सो अभी तक जो डेटा सेंटर था जहां से पूरा सर्वर है और ट्रेडिंग ऑपरेट होती थी, वो हमारा इनहाउस था जो हमारे ऑफिस प्रमाइसिस में था। नाउ हमने उसको शिफ्ट किया है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि नवी मुंबई में फैसिलिटीज है, और ये जो लीडिंग अप टाइम इंस्टीट्यूट है US का, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस सेंटर को Tier 4 सर्टिफिकेशन दिया गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि Tier 4 जब हम बोलते हैं ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है किसी भी डेटा सेंटर्स के लिए। अच्छा अच्छा, और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं बहुत सारे पैरामीटर पे कि फ्लड में कैसे सेफ्टी रहेगी, अर्थक्वेक में कैसा सेफ्टी रहेगा, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होगी, पावर फेल्योर और एनी अदर कैलामिटीज, उन सारे प्रोविजंस को इस डेटा सेंटर्स के अंदर ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया होता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि सारी चीजें जो है कंटिन्यूअसली चलती रहे और किसी भी परिस्थिति में ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट ना हो और डेटा सेंटर प्रॉपरली वर्क करता रहे। अच्छा जी, अच्छा जी। ये आपने बड़ा डिटेल में बताया। अब जरा एक बात आप बताएं कि आपने कहा कि ये Tier 4 जो है ये सर्टिफाइड डेटा सेंटर है और ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत सिस्टमेटिक है। आप जरा बताएं कि जो ट्रेडर हैं जो आपके एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं उनके लिए, मतलब क्या उनके लिए ये भरोसा आप दिलाना चाह रहे हैं या दिला रहे हैं कि कई बार जब ये होता है कि रेट अपडेट नहीं हुए, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गए, अब वो दिक्कत नहीं आएगी, राइट सर? देखिए, यस, फर्स्ट एफर्ट ये है कि ट्रेडिंग कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। कई बार ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ या फ्लड सिचुएशन हुआ, उस टाइम पे चैलेंजिंग हो जाते हैं और इस तरह के चैलेंज हमने देखे हैं कि एक किस तरीके से ऑपरेट करें, वो इश्यू कभी भी नहीं आएगा और मार्केट सीमलेसली चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसकी कनेक्टिविटी है, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे वहां पर कनेक्टेड हैं, तो मार्केट चूज कर सकता है कि कौन सा बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है और वो उसकी सर्विसेज लेकर डेटा सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में सचिन जी, आज के लिए गोल्ड और सिल्वर बाय और सेल? सर, गोल्ड में जो है ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, बिल्कुल यहां से करंट मार्केट प्राइस से बाय करने की सजेशन रहेगा। 850-900 के आसपास के प्राइस है, 45-700 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेना होगा और हमें लग रहा है 46,100 तक के टारगेट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। राजीव जी, आपका मेटल पे कोई व्यू, आउटलुक, टॉपिक? जी, मुझे लगता है लेड एक अच्छी कमोडिटी है जो कि निकल के आ रही है बाय साइड में, 184 के आसपास से खरीद सकते हैं, 182-185 के स्टॉप लॉस से 186 के टारगेट के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।